एवरीबॉडी, देखिए। हेलो, आज हम राशन लेने आए हैं। रुदू देख कौन है। हेलो, देखो, चलो जल्दी आ गए। रुदू क्या हो गया, यही छोड़ दो। देखो, हम राशन की दुकान तो पहुंचने वाले हैं, जल्दी जल्दी। ये देख, वीडियो पोस्ट करके बैठ करके दिखाने कैमरा। देखिए इतने गर्मी में, और आज मुझे अपने बच्चों को लेके आना पड़ा राशन बनवाने, राशन लेने के लिए। यहाँ पे सब राशन लेने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। मेरे बच्चे भी गर्मी में परेशान हैं, देखो कैसे स्वेटी हो रहा है सारा। ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। आज हम राशन की दुकान पर आए हैं, गर्मी में बेहद परेशान हो रहे हैं सब। हेलो, देखा यहाँ पर डॉगी सो रहा है। मैं भाई उस वीडियो में, मुझे मम्मी ने बताया भी नहीं कि मम्मी वीडियो स्टार्ट कर रही हैं। ये देखो मम्मी हम राशन लेने आए हैं, बहुत धूप हो रही है। हाँ, गर्मी भी हो रही है, देखो धूप। यह ना ये जो टंकी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गिलहरी ना आ जाए फिर से। ये जो आपको टंकी दिख रही है, यहाँ पे इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इस टंकी पे। देखो हम आए हैं, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, और गर्मी भी इतनी हो रही है ऊपर से। चलो अभी देखिए, मेरा भाई स्कूटी पे बैठा है। ये स्कूटी पता नहीं किसकी है। चलो, हेलो गाइस, सॉरी। तो ना अब मैं आपसे तब बात करूंगी जब हम पर्ची कटवा लेंगे अपनी राशन की दुकान पे से घर जाते वक्त। मतलब रास्ते में बहुत लंबा रास्ता है ना, इसलिए तो मैंने ना एक कहानी पहले से डिसाइड करके रख रखी है जो हमारे साथ हुई है, मैं आपको वो बताऊंगी उसमें। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए पर, लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ओके, ये देखिए, हम पता करना है कि पर्ची कट रही है नहीं। इतनी मुश्किल से, इतनी गर्मी में दोनों बच्चों को धूप में लेके राशन में पर्ची कटवाने आई, और इतनी लंबी लाइन होने की वजह से कुछ नहीं हुआ। आधा पौना घंटा से वेट करके और वापस आ गई। बहुत बुरा हाल है। एक मिनट, हम वहाँ इतनी देर तक खड़े भी रहे और कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा आ गए। आपको पता है, ऐसे ही एक बार हम गए थे ना राशन की दुकान पे, थी ना। हाँ, तब हम तो गए थे ऐसे ही पर्ची कटवाने के पर्पस से, और जाके देखा वहाँ राशन बटरर, वहाँ मम्मी, मैं, रुद्र, पापा नहीं थे, पापा जा रहे थे ड्यूटी, और हम राशन लेके आए। इतना वो हुआ, मम्मी ने ले रखा 18 किलो, मैंने ले रखा, मतलब मम्मी ने सारा। फिर मैं भागी गई घर तक, आई अपनी साइकिल लेके गई, और फिर आई, फिर मम्मी ने साइकिल पर रखवाया। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा, उस दिन से मम्मी तो आ जाती है अकेली, हम दोनों को लेके नहीं जाती राशन की दुकान पे। और जब हम इतनी मुश्किल से घर पहुँच गए, तब घर पहुँचने के 5 मिनट बाद ही जाकर देखा कि पापा आ गए। 5 मिनट बाद राशन लाए इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से, और 5 मिनट बाद ही पापा आ गए घर। अगर हम, मम्मी तो कह रही कि मुझे पता होता तो मैं तो जाती ही नहीं लेने के लिए राशन। और आज तो पर्ची भी नहीं कटी, राशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी आ गए जाके भी। ओहो, पापा का फोन आ गया। तो गाइस, मैं 2 मिनट में बात। तब के बाद मम्मी हमें लेके ही नहीं गई, अकेली चली जाती थी। फिर हम पापा के साथ तो बहुत बार गए, पर लेकिन मम्मी के साथ हम आज गए, तब से मतलब बहुत महीने हो गए इस बात को। और आज भी देखो ऐसे ही वापस आ गए।
कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब इतनी दूर तक गए, अब पापा का फोन आया, पापा कह रहे फिर से कि मैं तो आ रहा हूँ, तुम बता देते कि तुम जा रहे हो दुकान पे। बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे, गर्मी भी बहुत लग रही थी। और अब हम गली में पहुँच चुके हैं, अपनी घर ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ ये देखिए घूम रहे हैं महाराज, जहाँ पे अभी हमें है ना, यहाँ पे रुद्र अभी गिरा था, मेरा रुद्र गिरा था यहाँ, मम्मी की गोदी चढ़ रहा है अब। इसे देखो यहीं पे गिरा था ना ये, अरे यहीं पे गिरा था अभी अभी, ये अब गोदी चढ़ गया। घर ज़्यादा दूर नहीं है, देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपने बाहर से नहीं देखा, देखो अमरूद का पेड़ तो देखा है ना, आप पहचान जाओगे हमारा घर, पर लेकिन कैसे दिखाऊँ, देखिए दिख गया।